हेलो गाइस, वेलकम टू डेकिया सर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ माइक्रोमैक्स के कैनवास इन्फिनिटी के बारे में और बताऊंगा इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और क्या ये फोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल और डिजाइन की। तो यहाँ पर आपको मेटल का बैक पैनल मिल जाएगा, रिमूवेबल है। ऊपर और नीचे का पोर्शन आपको प्लास्टिक का मिल जाएगा। फ्रंट की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको फुल विजन डिस्प्ले मिल जाएगा। नीचे की तरफ कैपेसिटिव बटन नहीं मिलेंगे, ये आपको ऑन स्क्रीन बटन मिलेंगे। ऊपर सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह आपको दिखने को मिलेगा। और बिल क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक सी बिल क्वालिटी मिल जाती है मेटल वाली, बट रिमूवेबल पैनल है, यूनिबॉडी के साथ में नहीं आता है। तो ठीक ठाक से आपको बिल क्वालिटी यहाँ पर मिल जाएगी। और बात करते हैं यहाँ पर इसके यूएसपी की, यूनिक सेलिंग पॉइंट की। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने प्रोवाइड करा है फुल विजन, मतलब आप इन्फिनिटी कह लो, फुल विजन कह लो। आपको डिस्प्ले यहाँ पर 5.7 इंच का 720p IPS डिस्प्ले मिलेगा 2.5D कर्व ग्लास के साथ में, और इसका रेशियो रहेगा 18:9 का। तो रेजोल्यूशन भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपको 1440x720p का रेजोल्यूशन मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें माइक्रोमैक्स ने, फर्स्ट कंपनी इंडियन है जो हमें बजट सेगमेंट में फुल विजन का डिस्प्ले दिया, तो मैं हैप्पी हुआ कि यार माइक्रोमैक्स ने अपना R&D करके खुद का मतलब डिज़ाइन लैक इस बार किसका कॉपी नहीं करे। तो डिस्प्ले के मामले में ये फ़ोन अच्छा रहने वाला है। रेजोल्यूशन हाँ आपको PPI थोड़ी कम मिल जाएगी, बट डिस्प्ले आपको फुल विजन मिलेगा। तो जो आपको लुक्स वगैरह आएंगे 2.5D कर्व ग्लास के साथ में, तो वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है बजट सेगमेंट के लिए। और बात करें यहाँ पर इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर भी मैं खुश हुआ। हाँ, हमें स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर मिलता है, 1.4 GHz पे क्लॉक्ड है। ये क्वाड कोर का प्रोसेसर है जो हमें रेडमी 4A देखने को मिला था, वही वाला प्रोसेसर यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने यूज़ करा है। तो प्रोसेसर एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, बट आपको डिसेंटली परफॉर्मेंस दे देगा 720p डिस्प्ले को देखते हुए। तो मैं क्यों अच्छा बोल रहा हूँ ये प्रोसेसर को, क्योंकि MediaTek का 6737 अच्छा हो, माइक्रोमैक्स ने यहाँ नहीं दिए, एटलीस्ट 425 दिए। तो मैं हैप्पी हूँ कि माइक्रोमैक्स ने Qualcomm का 425 यूज़ करे 6737 से अच्छा। तो प्रोसेसर में भी आपको डिसेंट सा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, डे टू डे यूज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट आप हाई एंड गेमिंग वगैरह करोगे तो थोड़ा बहुत आपको लैगिनेस देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पर इसकी GPU की, तो यहाँ पर आपको एड्रीनो का 308 का GPU मिल जाएगा, तो भी एक डिसेंट सा GPU आपको मिल जाएगा बजट सेगमेंट में। और बात करते हैं यहाँ पर रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3GB का रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, प्लस आपको डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट दिया, ये भी अच्छी चीज़ माइक्रोमैक्स ने करा है। यहाँ पर आप 128GB तक का आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सभी तरीके के सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलेगा, एम्बेडेड लाइट सेंसर मिलेगा, जायरोस्कोप और कंपास यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये दे देते तो अच्छा रहता, बट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको बैक में मिल जाएगा, जैसे कि हमें रेडमी और लेनोवो के फ़ोनों में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये भी डिपार्टमेंट में ठीक ठाक माइक्रोमैक्स ने काम करा है। और यहाँ पर बात करते हैं इसके एक और एक USP की, तो यहाँ पर कैमरास की बात करते हैं तो बैक में आपको मिल जाएगा 13 MP का कैमरा, जिसका अपर्चर 2.0 का है। फ्रंट कैमरा से मैं बहुत इंप्रेस हुआ, यहाँ पर आपको मिलेगा 16 MP का फ्रंट कैमरा, जिसका भी अपर्चर 2.0 का, बट यहाँ पर आपको LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगी, सॉफ्ट फ्लैश आएगा जैसे कि वीवो के फ़ोनों में आता है, उसी तरीके का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली रियर कैमरा आपको ठीक ठाक मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी नहीं रहेगी, ठीक ठाक सब मिल जाएगा, बट डेफिनेटली फ्रंट कैमरा रहने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमें बजट सेगमेंट 10,000-8,000 के प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट कैमरा रहने वाला है 16 MP के हिसाब से। तो कैमरा डिपार्टमेंट भी माइक्रोमैक्स ने ये बार अच्छा काम करा है। और बात करते हैं यहाँ पर इसके बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2900 की रिमूवेबल बैटरी। हाँ, बैटरी इसमें चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया बैक पैनल इसका निकलता है, तो आपको 2900 mAh की बैटरी मिल जाएगी। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर आप आराम से एक दिन आपकी बैटरी चल जाएगी। अगर आप नॉर्मल यूज़ हो, हैवी यूज़र नहीं हो, तो आपका एक से मतलब एक दिन चल जाए तो अच्छी बात रहेगी, बट वो फ़ोन आने के बाद, यूजेज के बाद, रिव्यू करने के बाद ही पता चलेगा। बट मेरे हिसाब से एक दिन तो चलना चाहिए नॉर्मल यूज़ पे। हैवी यूज़र होगा तो दिन में दो बार आपको चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर प्राइसिंग की बात करते तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था दो से तीन दिन पहले 12,000-13,000 के आसपास लेके आएंगे, बट यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने 10,000 में लॉन्च करा है। ये अमेजोन एक्सक्लूसिव फ़ोन है, आपको 1 सितंबर से दोपहर 2 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 10,000 में, हाँ एकदम ज़्यादा रेडमी वगैरह से प्रोसेसर वगैरह बैटरी वगैरह कंपेयर नहीं कर सकते हो, बट 10,000 में हमें फुल विजन का डिस्प्ले माइक्रोमैक्स ने प्रोवाइड करा है। भले ही वो 720p का डिस्प्ले है, बट अच्छा लगा माइक्रोमैक्स ने खुद का मतलब डिज़ाइन लाए, और हमें जो बजट सेगमेंट में जिन्हें डिज़ाइन वगैरह अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल जाता है। 425 के साथ में भी आपका डिसेंट सा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, कैमरा भी आपको सेल्फी लवर है, तो माइक्रोमैक्स ने ऑडियंस को देखते हुए ये फ़ोन निकाला है। आपको यहाँ पर जो अच्छी चीज़ें मिल रही है, इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है फ्रंट कैमरा
और आपका फुल विजन डिस्प्ले हो जाएगा और डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड ये आपका आपका रीजन रहना चाहिए ये फोन को लेने के लिए। तो मुझे तो ये फोन अच्छा लगा ये प्राइस पॉइंट पे। तो यही था मेरा ओपिनियन माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हो आपसे ऐसी अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।